हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शयोर केरियन वेदांता फाउंडेशन का डेयरी विकास एवं पशु प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु साझा प्रयास, जागरूक पशुपालक ही देश का भविष्य, चौधरी चार बीट चुकुंदर प्रशिक्षण प्रदर्शन एवं उन्नत बीज किट वितरण कार्यक्रम वुडलाई नाड़ी एवं मूली नाड़ी में संपन्न, बाड़मेर 28 दिसंबर 2021 दुग्ध उत्पादक जागरूक होकर अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। जागरूक पशुपालक ही देश का भविष्य है। दुधारू पशुओं को हरा चारा खिलाकर कम खर्च में अधिक उत्पादन संभव है। उक्त बाढ़ सोसाइटी टू अपलिफ्ट रूरल इकोनॉमी बाड़मेर द्वारा केरन वेदांता फाउंडेशन के सौजन्य से संचालित डेयरी विकास एवं पशुपालन परियोजना के तहत दुग्ध संकलन केंद्र परिसर वुडलाई नाड़ी ग्राम पंचायत हरियाली एवं मूलदानी ग्राम पंचायत के निभाव में चारा बीट चुकुंदर प्रशिक्षण प्रदर्शन एवं उन्नत बीट किट वितरण कार्यक्रम में बोलते हुए कार्यक्रम प्रबंधक एवं संदर्भ व्यक्ति हनुमान राम चौधरी ने कही। चौधरी ने प्रशिक्षण में उपस्थित अतिथियों एवं दुग्ध उत्पादों का स्वागत करते हुए एवं प्रशिक्षण प्रदर्शन एवं उन्नत बीट किट वितरण कार्यक्रम के उद्देश्य की स्पष्टता करते हुए चारा बीट चुकुंदर की महत्ता, उपयोगिता, बोने की विधि, पशुओं को खिलाने इत्यादि के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि चारा बीट चुकुंदर में खनिज लवण प्रोटीन एवं गुणवत्ता युक्त दूध अधिक मात्रा में होता है तथा पशुओं को खिलाने में पशु स्वस्थ होने के साथ पशुओं में रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है तथा पशुओं को खिलाने से पशु स्वस्थ होने के साथ पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। चौधरी ने पशुपालकों को चारा बीट चुकुंदर के लिए भूमि तैयार करने, खाद डालने, बुवाई करने, कीट बचाव एवं सिंचाई कर अधिक मात्रा में उत्पाद लेने पर समझ बनाते हुए चारा बीट चुकुंदर पशु आहार अपनाने का जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादक नवीन तकनीकी को अपनाकर एवं प्रगतिशील बनकर ही डेयरी व्यवसाय से कम खर्च में अधिक आमदनी प्राप्त कर आदर्श एवं खुशहाल पशुपालक बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि हरा चारा गृह का विकास आज के समय की महती आवश्यकता है। चारागाह की सुरक्षा सुनिश्चित कर सेवन धामन मनसा अरनिया इत्यादि घास लगाने के साथ हरा चारा देने वाली खेजड़ी कुम्ट बोरड़ी इत्यादि वृक्ष लगाकर दीर्घावधि के लिए हरा चारा की स्थायी समस्या का समाधान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादक अपने खेतों में चारा बीट चुकुंदर की खेती कर कम खर्च में अधिक उत्पादन ले। चौधरी ने बीट चुकुंदर बुवाई के लिए भूमि तैयार करने, सिंचाई करने, खर पतावर निकालने, खाद व उर्वरक देने तथा उत्पादन का सदुपयोग करने। चौधरी ने बीट चुकुंदर बुवाई के लिए भूमि तैयार करने, सिंचाई करने, खरपतवार निकालने, खाद व उर्वरक देने तथा उत्पादन का सदुपयोग करने का जोर दिया। चौधरी ने सरकारी योजना नशा एवं नशा के दुष्परिणाम कोविड 19 नियमों की पालना के साथ अनिवार्य रूप से टीकाकरण पर विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए डेयरी कृषि एवं पशुपालन व्यवसाय वैज्ञानिक तरीके से वृहद स्तर पर करने का आह्वान किया। चौधरी ने डेयरी विकास एवं पशुपालन परियोजना की आगामी एक वर्षीय कार्य योजना के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्रदान कर उपस्थित दुग्ध उत्पादों को परियोजना से जुड़कर लाभ लेने हेतु प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में हुक्माराम चौधरी ने परियोजना के तहत किए जा रहे डेयरी एवं पशु प्रबंधन व हरा चारा गृह विकास हेतु संस्था के मुट्ठ कंठ से प्रशंसा करते हुए उक्त कार्य को बड़े पैमाने पर करवाने हेतु अपनी बात रखी। कार्यक्रम में हुक्माराम चौधरी ने परियोजना के तहत किए जा रहे डेयरी एवं पशु प्रबंधन व हरा चारा गृह विकास हेतु संस्था के मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए उक्त कार्य को बड़े पैमाने पर करवाने हेतु अपनी बात रखी। सहायक परियोजना समन्वयक मालाराम गोदरा ने मोबाइल वेटरनरी वैन के प्रबंधन एवं संचालन, टीकाकरण, डिवमिंग पशुपालक पशुओं का बीमा के बारे में जानकारी प्रदान कर उसका फायदा लेने हेतु प्रेरित किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में समिति सचिव चंदन सिंह राठौड़, छोगाराम चौधरी, रामनिवास सुथार, रविंद्र सिंह सुजाना, राम बिश्रोही, मोड़ाराम माली, सावलाराम भील, रघुनाथ राम बिश्नोही, अश्विनी सुथार, मोहनलाल बिश्नोही, श्रीमती कमला देवी, श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती भावना देवी, श्रीमती हरिया देवी, श्रीमती डाई देवी, श्रीमती मंजू देवी, श्रीमती रत्नी देवी, सुरेश कुमार, शंकर दास, जोधा राम, भागीरथ राम बिश्नोही एवं मोर सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वुडलाइन लाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम में 12 महिलाओं सहित कुल 72 संभागियों एवं मूल दाड़ी में 11 महिलाओं सहित कुल 28 संभागियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में वुडलाई नाड़ी में 8 गांवों के 58 समिति सदस्यों एवं मूली नाड़ी में 4 गांवों के 17 समिति सदस्यों को टियरा एग्रोकेट प्राइवेट लिमिटेड के उन्नत चारा बीट चुकुंदर बीट किट पैकेट जेरोनिमो 100 ग्राम एवं 50 ग्राम के पैकेट प्रोत्साहन स्वरूप निःशुल्क वितरित किए गए। प्रशिक्षण प्रदर्शन कार्यक्रम की समाप्ति पर कार्यक्रम प्रबंधक हनुमान राम चौधरी एवं वुडलाई नाड़ी समिति सचिव चंदन सिंह राठौड़, छोगाराम चौधरी ने उपस्थिति अतिथियों एवं दुग्ध उत्पादों का धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रशिक्षण में उपस्थित ग्रामीणों एवं दुग्ध उत्पादों ने ग्राम स्तर पर चारा बीट चुकुंदर
प्रशिक्षण प्रदर्शन एवं उन्त बीट किट वितरण कार्यक्रम के आयोजन एवं हरा चारागृह का विकास एवं नवीन तकनीकों को बढ़ावा देने हेतु संस्था एवं केयर्न फाउंडेशन का आभार जताया। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।